तो हेलो गाइस, कैसे हो। तो देखिए यार, इससे पिछले वाले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने कीबोर्ड के बारे में जो बेसिक नॉलेज थी वो, तथा जो कीबोर्ड की जो सारी कीज थी उनके बारे में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लिए। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं जो अपनी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है माउस। ठीक है, तो देखिए अपन माउस को पढ़ने से पहले दो इंटरफेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक तो होता है CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दूसरा होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो इंटरफेस होता है वो एक मीडियम होता है, वो एक जरिया होता है जिसके थ्रू अपन सामने वाले को बता सके कि हमको क्या काम करना है। ठीक है, उस मीडियम के थ्रू अपन सामने वाले को बताते हैं कि हमको क्या काम करना होता है। ठीक है, तो अपन फर्स्ट बात करते हैं CUI की, करेक्टर यूजर इंटरफेस की। तो देखिए इसमें जो यूजर होता है, देखो करेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है, तो जो यूजर होता है वो सामने वाले को बताता है, किसके थ्रू बताता है, करेक्टर के थ्रू बताता है, कमांड के थ्रू बताता है कि उसको क्या काम करना होता है। आगे बात समझ में, जो यूजर होता है वो सामने वाले को किसके थ्रू बताएगा, करेक्टर्स के थ्रू बताएगा, कमांड के थ्रू बताएगा। कमांड क्या होती है, सेट ऑफ करेक्टर ही क्या क्या होती है, कमांड होती है। ठीक है, तो सामने वाले को किसके थ्रू बताएगा, कमांड के थ्रू बताएगा, करेक्टर के थ्रू बताएगा कि मुझे क्या काम करना होता है। ठीक है, तो देखिए अपन काम किस में करते हैं, अपन काम कंप्यूटर में करते हैं। ठीक है, तो जो यूजर है वो किसको बताएगा, कंप्यूटर को बताएगा, किसके थ्रू बताएगा, करेक्टर के थ्रू, कमांड के थ्रू, कि उसको क्या काम करना है, एग्जाम्पल के थ्रू। अपन चलिए बात समझते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर खोल लेता हूं CMD कमांड प्रॉम्प्ट। ये देखिए मैंने यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया। ठीक है, तो देखिए जो पहले के कंप्यूटर थे, ठीक है, जो पहले के कंप्यूटर थे उनमें CUI यूज होता था। ठीक है, क्या होता था, CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो जो यूजर था वो लिखकर कंप्यूटर को बताता था कि उसको क्या काम करना होता, तो उसके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होता था, पहले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर उसको लिखना पड़ता था। जो सपोज करो कि मैं यूजर हूं, तो मुझे सपोज करो कि मुझे क्रोम खोलना है, मुझे क्या खोलना है, क्रोम खोलना है, तो उसको यहां पर लिखना पड़ेगा, उसको यहां पर कमांड लिखनी पड़ेगी, किसको, क्रोम को खोलने के लिए। जैसे मैंने यहां पर लिखा स्टार्ट क्रोम, एंटर दबा दिया। तो देखिए अब यहां पर क्या खुल गया, क्रोम खुल गया। आगे बात समझे, उसने लिख कर ही तो बताया कंप्यूटर को कि उसको क्रोम खोलना है, तो उसने लिखा और कंप्यूटर ने क्या खोल दिया, उसके सामने क्रोम खोल दिया। आगे बात समझ में, ठीक है, सपोज करो कि उसको कुछ और खोलना है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, मैं चलो VLC खोल लेता हूं, स्टार्ट VLC, ये क्या है, VLC प्लेयर। ठीक है, मैं एंटर दबा दिया। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या खुल गया, यहां पर एक VLC प्लेयर खुल गया। आपको बात समझ में आ रही है, तो CUI का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो यूजर है वो लिखकर बताता है किसको, कंप्यूटर की, उसको क्या काम करना है। तो अब बात करते हैं अपन GUI की, किसकी बात करते हैं, GUI की। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो जो GUI होता है इसमें आपको आइकन्स मिलेंगे, क्या होंगे, आपको आइकन्स दिए हुए होंगे, उन पर आपको जाना है और आपको वो काम करना है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो आपको जो ये सामने दिख रहा है लैपटॉप पर, ये सब आइकन ही तो है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर क्या है, ये यहां पर क्या है, ये MS वर्ड का क्या एक आइकन है, दिख रहा है, ये MS वर्ड का क्या एक आइकन है, ये क्रोम का क्या एक आइकन है, ये क्या, ये फोटोशॉप का एक आइकन है, ये VLC का क्या एक आइकन है। ठीक है, तो आपको जैसे माना कि आपको क्रोम खोलना है, तो आपको लिखना थोड़ी पड़ेगा CUI की तरह, ना 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 ना, आपके पास आइकन से आप आइकन्स पर जाइए, आइकन्स पर आप प्रेस कीजिए और आपका क्रोम खुल गया, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात समझ में आपके, ठीक है, जैसे मुझे क्या खोलना है, फोटोशॉप खोलना, तो मैं क्या करूंगा, फोटोशॉप पर प्रेस कर दूंगा दो बार, तो मेरे क्या खुल जाएगा, फोटोशॉप खुल जाएगा। ठीक है, अब देखिए लोडिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये फोटोशॉप खुल गया। आपके पास समझ में आई कि आपको कुछ लिखना पड़ा, नहीं लिखना पड़ा, आपको डायरेक्टली आइकन दिए हुए हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, आपको आपको आइकन मिलते हैं, आप उन आइकन पर जाइए, उन पर प्रेस कीजिए और अपना काम आप करिए। ठीक है, तो आपने कंप्यूटर को बताया, क्या बताया, कि मुझे काम कैसे करना है, मुझे काम ग्राफिकल रूप से करना है। ठीक है, ग्राफिकली काम करना, मुझे आइकन के थ्रू काम करना है, मुझे करेक्टर के थ्रू काम नहीं करना। जो करेक्टर यूजर इंटरफेस था वो पहले यूज होता था, हालांकि अब भी होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। मैक्सिमम जो अब मैक्सिमम यूज होता है वो किसका यूज होता है, GUI का यूज होता है। जैसे सपोज करो आपका फोन होता है, ठीक है, तो देखिए मैंने यहां पर फोन की पिक वगैरह डाउनलोड कर रखी है, तो देखिए ये आपका फोन है। ठीक है, तो जो आपको ये सामने दिख रहे हैं ये क्या, ये GUI तो है, आपको सामने सिंबल तो, सॉरी आपको सामने आइकन तो दिख रहे हैं यहां पर, ये आइकन ही तो है। यदि आपको फेसबुक खोलनी है तो आपको कुछ लिखना थोड़ी पड़ेगा, ना ना ना, आपको यहां पर आइकन पर जाइए, क्लिक कीजिए, आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा। ठीक है,
जीमेल खोलना है तो यहाँ पर जीमेल का आइकन है इस पर दबाइए। आपको मैप खोलना है, गूगल मैप खोलना है तो गूगल मैप का आइकन है इस पर दबाइए। मैसेंजर खोलना है तो मैसेंजर का आइकन है इस पर दबाइए। फोटो खोलना है तो कैमरा खोलना तो कैमरा का आइकन है दबाइए। इंस्टाग्राम खोलना तो इंस्टाग्राम का आइकन है आप दबाइए इसके थ्रू। आपको बात समझ में आ गई, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि CUI और GUI में क्या अंतर होता है। ठीक है, आगे भाषण में तो देखिए, चलो हमने मान लिया कि जो GUI होता है उसमें आइकन्स होते हैं, ठीक है, जिन पर हम जाकर कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो लैपटॉप में आपको ये इंटरफेस दिख रहा है ये एक GUI का एग्जांपल है, ये एक GUI है। ठीक है, आगे भाषण में जिसमें आइकन्स होते हैं और आपको सामने यहाँ पर आइकन्स दिख रहे होंगे, जैसे मेरे पास क्रोम का आइकन है। ठीक है, आगे भाषण में ये मेरे पास क्या बहुत सारे आइकन्स है। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात ये उठती है कि अब इन आइकन्स पर जाए कैसे। ठीक है भाई, आप आइकन्स पर जाओगे तभी तो आप काम कर पाओगे। सपोज करो कि मैं यूजर हूं और मुझे क्या यूज करना है, मुझे क्रोम यूज करना है। ठीक है, तो भाई मैं क्रोम पर जाऊंगा तभी तो मैं काम कर पाऊंगा। आगे भाषण में तो यहां पर एंट्री होती है पॉइंटिंग डिवाइस की। किनकी एंट्री होती है? पॉइंटिंग डिवाइस की एंट्री होती है। जो ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है ये अपन को मनचाहे आइकन पर ले जाने का काम करती है। आगे भाषण में ठीक है, और जो माउस है ये एग्जांपल है किसका? पॉइंटिंग डिवाइस का। ठीक है, आगे भाषण में जैसे सपोज करो कि मैं यूजर हूं, मुझे क्रोम यूज करना है। ठीक है, तो देखिए मैं माउस के थ्रू कहां पर चल जाऊंगा? क्रोम पर चला जाऊंगा। आगे बात समझ में, मुझे एमएस वर्ड यूज करना तो मैं कहां पर चल जाऊंगा? माउस के थ्रू एमएस वर्ड पर चल जाऊंगा, फोटोशॉप पर चल जाऊंगा, वीएलसी पर चला जाऊंगा। आगे बात समझ में, आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए जो माउस है वो पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पॉइंटिंग का मतलब क्या। देखो पॉइंटिंग का मतलब कुछ नहीं है कि आप किसी आइकन पर जा रहे हो। ठीक है, आप किसी आइकन पर जा रहे हो। ठीक है, तो किसी आइकन पर जाना ही क्या कहलाता है? पॉइंटिंग कहलाता है, पॉइंट करना कहलाता है। आगे भाषण में माउस के थ्रू किसी आइकन पर जाना ही क्या कहलाता है? पॉइंट करना बोल दो चाहे पॉइंटिंग बोल दो। ठीक है, जैसे मैं यहां पर चला गया आइकन पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं पॉइंटिंग या पॉइंट करना। मैंने अब जो क्रोम है इसको पॉइंट कर रखा है। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या हूं, ये एमएस वर्ड पर हूं तो मैं इसको पॉइंट कर रखा है। आगे बात समझ में ठीक है, और इसके अलावा आप बात सुन लो। ठीक है, जो आपको यहां पर ये व्हाइट कर्सर, जो आपको यहां पर व्हाइट एरो दिख रहा है, ठीक है, एरो का साइन दिख रहा है, इसको बोलते हैं कर्सर। इसको बोलते हैं कर्सर या पॉइंटर, कर्सर या पॉइंटर। ठीक है, तो जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है वो इस कर्सर या पॉइंटर को क्या करती है? कंट्रोल करती है। आगे बात समझ, ये देखो मैं लेफ्ट जा रहा हूं, ये जो जो ये एरो का चिन्ह है, जो कर्सर है, जो पॉइंटर है, ये लेफ्ट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, आप इसको किधर भी ले जा सकते हो। किसके थ्रू? पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू। आगे बात समझ में ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है। ठीक है, किसी भी मनचाहे आइकन पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? पॉइंट करना या पॉइंटिंग कहलाता है। ठीक है, और जिस डिवाइस के थ्रू अपन ये करते हैं वो कहलाती है पॉइंटिंग डिवाइस। आगे बात समझ, जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है वो इस कर्सर को या जो इस पॉइंटर को जो आपको व्हाइट एरो दिख रहा है इसको कंट्रोल करती है। आगे बात समझ में ठीक है, तो अब देखिए जैसे सपोज करो कि जो आपको यहां पर दिस पीसी दिख रहा है, जो दिस पीसी, ठीक है, मैंने इसको यहां पर ये पॉइंट कर लिया, क्या कर लिया है? पॉइंट कर लिया। ठीक है, तो मेरे जो कर्सर वो कहां पर है? ये इस पर है। ठीक है, इसी को तो पॉइंट करना बोलते हैं, इसी को तो पॉइंटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अब मैंने इसको पॉइंट कर रखा है। ठीक है, तो अब यहां पर यूज करते जो माउस के बटन्स होते हैं ना, माउस के बटन्स तीन होते हैं, माउस के बटन्स, ठीक है, आजकल तो काफी बटन्स आ रहे हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अनुसार बटन्स ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं बेसिक जो माउस होता था जिसमें एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और एक व्हील वाला बटन होता था। ठीक है, तो देखिए अब अपन बात करते हैं जो ये माउस होता है ये किस प्रकार एक्शन करता है, किस प्रकार ये काम करता है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको पॉइंट कर रखा है, आपको समझ में आ गया पॉइंट करने का मतलब क्या। ठीक है, मैंने इस आइकन को पॉइंट कर रखा, तो अब हम बात करते हैं माउस के बटन्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे लेफ्ट बटन की। ठीक है, हालांकि तीन बटन होते हैं, तो देखिए अब अपन बात करेंगे लेफ्ट बटन की। ठीक, तो देखिए मैंने इस दिस पीसी को ना, जो आइकन है, मैंने इसको क्या कर दिया? मैंने पॉइंट कर दिया इसको। ठीक है, तो यदि मैं लेफ्ट वाला बटन एक बार दबाऊंगा तो देखिए मैंने एक बार दबाया। ठीक है, तो अब मैंने ये माउस का जो एरो था ये हटा लिया। ठीक, अब देखिए इसने इसको क्या कर दिया है? सेलेक्ट कर दिया है। यदि हम माउस का लेफ्ट वाला बटन एक बार दबाएंगे तो ठीक है, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी आइकन को, किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर को क्या कर लेता है? सेलेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? सेलेक्ट। ठीक है, और यदि हम उसी आइकन पर, फोल्डर पर या फाइल पर दो बार दबाएंगे लगातार जल्दी जल्दी, तो वे उसको
ओपन कर देता है, क्या कर देता है, ओपन कर देता है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा। मैंने क्या कर दिया, दो बार दबाया जल्दी जल्दी, तो क्या कर दिया उसको, ओपन कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब तो आप सबको पता ही होगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ठीक है, जो जो माउस होता है उसके बटन को एक बार दबाकर छोड़ना, जैसे मैंने देखो ये यहां पर दबाकर छोड़ दिया, इसको बोलते हैं क्लिकिंग। क्या बोलते हैं, क्लिकिंग या क्लिक करना। ठीक है, मैंने माउस के बटन को एक बार दबाकर छोड़ दिया, एक बार प्रेस कर छोड़ दिया, इसको बोलते हैं क्लिकिंग। जो आप ये प्रक्रिया कर रहे हो इसको बोलते हैं क्लिकिंग। ठीक है, माउस के बटन को दबाकर छोड़ना ही क्या कहलाता है, क्लिकिंग कहलाता है। आपके बात समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं राइट बटन की, जो माउस का राइट बटन है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जो सपोज करो कि मैंने जो यहाँ पर आपको ये फोल्डर दिख रहा है मैंने, ठीक है, इस पर मैंने एक बार राइट क्लिक दबाया। ठीक है, जब मैंने इस पर राइट क्लिक दबाया तो आपको यहाँ पर ये बहुत आपको यहाँ पर एक लिस्ट सी दिख रही है। ठीक है, या आपको ये एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये है कि जो आपने ये जो फोल्डर है आप इस पर क्या क्या काम कर सकते हो, ये उसकी क्या होती है, लिस्ट होती है। आगे बात समझ में, आप जिस भी आइकन पर या जिस भी फोल्डर पर या जिस भी फाइल पर आप राइट क्लिक करते हो, ठीक है, तो उसको जो लिस्ट आती है वो लिस्ट ये होती है कि आप उस आइकन पर या उस फोल्डर पर क्या क्या काम कर सकते हो। जैसे मैं इसको ओपन कर सकता हूं, ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते, जैसे मैं इसको सेंड कर सकता हूं कहीं भी, मैं इसको कट कर सकता हूं, कॉपी कर सकता हूं, क्रिएट डिलीट रीनेम प्रॉपर्टीज इसकी मैं देख सकता हूं। ठीक, आगे बात समझ में। ठीक है, तो जो राइट बटन होता है वो इसकी प्रॉपर्टीज बोल लो या इस पर आप क्या क्या काम कर सकते हो उसकी आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए अब अपन बात करने वाले हैं जो माउस का जो तीसरा बटन होता है, जिसको अपन स्क्रॉल बटन या अपन व्हील बटन भी बोल देते हैं। ठीक है, या माउस व्हील भी अपन इसको बोल देते हैं, जैसे आप चाहो इसको ऐसा बोल लो, दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए यूज देखते हैं। ठीक है, तो जो इसका पहला यूज होता है वो तो आप सबको पता ही है, स्क्रॉलिंग के लिए यूज में लिया जाता है। यदि आपको स्क्रीन को ऊपर की तरफ ले जाना है या नीचे की तरफ ले जाना है तो आप इस माउस व्हील को यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्रोम खोल लिया, ठीक है, तो देखिए जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो जो स्क्रीन देखिए नीचे की तरफ आ रही है, मैंने स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ व्हील वाले बटन से, यदि मैं स्क्रॉल अप करूंगा, ठीक है, तो ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसके अलावा जो इसका यूज होता है वो देखिए, ठीक, देखिए यदि मैं कंट्रोल के साथ में, यदि मैं कंट्रोल के साथ में जो ये व्हील बटन है इसको अप डाउन करूंगा तो देखिए क्या होता है, यदि मैं इसको अप कर रहा हूं, ठीक है ना, अप स्क्रोलिंग कर रहा हूं, देखना मैं ऊपर की तरफ इसको स्क्रोल कर, ये देखिए तो ये क्या है, जो आपका जो ये स्क्रीन थी इसको जूम कर रहा है, ये देखिए ना 200% जूम हो गया, 250%, 300%, 400%। ठीक है, तो जूमिंग के लिए काम आता है, किसके लिए, आप इसको जूम बढ़ा सकते हो, जूम घटा सकते हो। जब मैं कंट्रोल के साथ में जो व्हील बटन है इसको यूज करूंगा तो आप किसी पेज का या किसी भी विंडो का जूम है उसको घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब देखिए यदि मैं डाउन स्क्रोलिंग करूंगा तो देखिए क्या होता है, जब मैं डाउन स्क्रोलिंग करूंगा तो जूम घट रहा है, देखिए ये देखिए ये देखिए ये कहाँ पर, ये मिनिमम कितनी होती है, 25 तक आप इसको ला सकते हो। ठीक है, आप जूम बढ़ा सकते हो, आप जूम घटा सकते हो, शर्त क्या है, आपको कंट्रोल को दबाए रखना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में इसका यूज करना है। आगे बात समझ में, तो इसको चलो 100 कर देते हैं। देखो इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, देखिए अपने पास ही कहिए, अपने पास होम विंडो, ठीक है, तो देखिए अब मैं कंट्रोल के साथ में वही कर सकता हूँ, ये देखिए आइकन क्या हो गए, बहुत ही छोटे हो गए, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आइकन को जूम भी कर सकता हूँ, ये देखिए आप कितने भी जूम, मतलब मैक्सिमम जितना भी होता है जूम करने का क्राइटेरिया वो वहां तक आप इसको जूम कर सकते हो, ये देखिए। आगे बात समझ में, ठीक, कहीं भी कर सकते हो आप इसको। ठीक, यहाँ पर चलते हैं, ये देखिए यदि मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैंने क्या करा, मैंने ये देखिए क्या कर सकता, आप इनको घटा बढ़ा भी सकते हो। आगे बात समझ में आपके। ठीक, अब इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं, तो चलिए देखिए अपन यहाँ पर चलते हैं ब्राउजर पर, ये अपना ब्राउजर है, ठीक है, क्रोम खोल लिया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखना जो आपका व्हील बटन है मैं इसको एक बार दबाता हूँ, ठीक है, स्क्रोलिंग नहीं करनी है, स्क्रोलिंग नहीं करनी है, अब आपको ओनली दबाना है एक बार, जैसे मैंने एक बार दबा दिया, ये देखिए आपको यहाँ पर कुछ साइन दिख रहा है, यहाँ पर ये देखिए जो साइन आ रहा है आपको दिख रहा है साइन, ठीक है, जब आप इसको एक बार दबाओगे, ये देखना मैंने जो व्हील बटन था इसको एक बार दबा दिया तो आपको साइन दिख रहा है सामने, ठीक है, जहां पर व्हाइट एरो था वहां पर आपको कुछ अलग सा साइन दिख गया, सर्किल से दिख गया है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ माउस को खिसका दूंगा ना, नीचे खिसका दिए, देखिए जब मैं नीचे खिसका, ये देखिए तो ऑटोमेटिकली जो आपकी स्क्रीन है वो नीचे की तरफ आने लग जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, ये कहां पर, जब भी आपको कोई भी स्टोरी वगैरह कोई, जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है,
आगे बात समझ में, आप कुछ भी और कुछ काम करो जिसमें आपको जो भी हो, जो स्क्रीन है इसको आपको स्लोली स्लोली चलाना है, तो वहां पर ये यूज आ सकता है, ठीक है। आप इसको ऊपर भी कर सकते हो, ये देखिए मैंने ऊपर किया था, अभी ऊपर की तरफ जाने लग गई, आगे बात समझ में। तो ये कुछ इसके यूज देखो काफी यूज होते हैं, तो अपन जो मेन मेन बेसिक्स यूज होते थे उनको अपन यहां पर देख लिया है, ठीक है। तो चलिए इसको अपन क्या कर देते, कैंसिल कर देते, आगे बात समझ में। आप इसका देखो यहां पे भी यूज कर सकते, इसी अपने क्या है ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो आप जो ये व्हील था इसको आगे पीछे कर कर वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए ना मैं इसको वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकता हूँ व्हील के थ्रू, आगे बात समझ में। तो देखिए अभी अपन ने जो माउस था उसका लेफ्ट राइट और जो व्हील बटन था उसका यूज देख लिया यहां पर, ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखिए इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो अपना माउस होता है ठीक है वो ड्रैग एंड ड्रॉप के भी काम आता है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये बहुत इजी, देखना ड्रैग मतलब कि इसको यहां से पकड़ कर खींच के ले जाना इधर, ठीक है, ड्रॉप मतलब कि छोड़ देना, आगे बात समझ में। ये माउस का काम इतनी तो बहुत ईजी है, तो सब सबको पता होगा, ठीक है। तो जो माउस होता है मैं इसका काम ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए भी कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह भी कर सकता हूँ, जैसे यहां पर कुछ भी ले लो, ठीक है, जैसे इसको मैंने यहां पर कर दिया, ये कर दिया इधर, ठीक है। तो आप इसको कहीं भी पकड़ कर ला सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप का काम आप कर सकते हो, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर पढ़ दिया, इसको मैंने यहाँ पर इसमें रख दिया, ठीक है, आगे बात समझ में। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप का काम कर सकते हो, ठीक है। तो जो माउस है उसको अपन ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह भी यूज में ले सकते हैं, मतलब खींच कर कहीं भी पटकना, आगे बात समझ। देखिए जो माउस होता है उसको अपन पॉइंटिंग डिवाइस तो बोलते ही है, क्योंकि वो पॉइंट करने के काम करती है, आगे बात समझ में। और पॉइंटिंग डिवाइस के साथ साथ इसको हम ड्रॉ डिवाइस भी बोल देते हैं, ड्रॉ डिवाइस, ड्रॉ इसलिए बोलते हैं क्यों, क्योंकि ये ड्रॉ करने के काम में आती है। जैसे आपको कोई भी टेबल ड्रॉ करनी हो, आपको कोई भी चित्र वगैरह मारने हो, कुछ भी करने हो, तो आप माउस के थ्रू कर सकते हो। पेंटिंग वगैरह आपको करनी हो तो किसके थ्रू कर सकते हो, आप माउस के थ्रू कर सकते हो, आप माउस के थ्रू कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉ डिवाइस भी बोलते हैं। ये तो इजी से कंसेप्ट था, आगे वासन में। जैसे अगर सपोज करो कि मैंने यहां पर पेंट खोल लेता हूं, ठीक है, मैंने यहां पर क्या खोल लिया है, पेंट। तो देखिए यहां पर मैं पेंट खोल लेता हूं, ठीक है, तो देखिए आप यहां पर कुछ भी क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, आगे वासन में, ठीक है, आप कुछ भी क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। मतलब कहने की बात यह कि आप यहां पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं कि भाई जो ये माउस था इसको बनाया किसने था, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम था डगलस सी इंजेल बर्ट, डगलस सी इंजेल बर्ट एक वैज्ञानिक था जिसने 1964 में कंप्यूटर जो ये माउस था इसको बनाया था, आगे बात समझ में, ठीक है। डगलस सी इंजेल बर्ट ने 1964 में माउस को बनाया था, ठीक है। तो देख चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो माउस होता है वो कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ माउस की बात करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट होता है, जो पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता, जो पहले यूज होता था, जिसका नाम है मैकेनिकल माउस, ठीक है। पहले कौन यूज, पहले भाई मैकेनिकल माउस ही यूज होता था। आजकल जो है वो ऑप्टिकल माउस हो गए या वायरलेस माउस हो गए, वो आजकल यूज हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, चलो नेट पे चलते हैं ना, अपन ने ये यहां पर खोल लिया है, ठीक है। अभी मैं यहां पर सर्च करता हूं, देखिए मैकेनिकल माउस मैंने सर्च किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो पहले जो माउस यूज होते थे जिसमें देखो ये जो नीचे एक बोल सी लगी होती थी, क्या लगी हुई थी, एक बोल सी, ठीक है, जिससे जो आपको ये दिख रहा है ना, जो ये होता है, जो ये कर्सर, जो ये कर्सर होता है, जो ये जो पॉइंटर होता है ना, ठीक है, इसको अपन बोल के थ्रू कंट्रोल करते थे। जो पहले मैकेनिकल माउस होते थे उनमें जो बोल होती थी उसके थ्रू आप इस कर्सर को, उसके थ्रू आप इस कर्सर को या इस पॉइंटर को कंट्रोल करते थे, इधर उधर आपको ले जाना होता तो आप बोल के थ्रू करते थे, किन में, जो मैकेनिकल माउस होते थे, ठीक है। ये देखिए जो आपको ये बोल दिख रही है, आप इसके थ्रू जो ये अपना जो ये कर्सर है, जो ये पॉइंटर है, इसके थ्रू इसको क्या करते थे, कंट्रोल करते थे बोल के थ्रू, ठीक है। लेकिन आजकल कौन से, आजकल ऑप्टिकल माउस आ रहे हैं, ठीक है, जिनमें नीचे आप देखते हो वो रेड 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 कलर की एक वो बत्ती सी जली हुई होती है, लाइट सी जली हुई होती है रेड कलर की, ठीक है, वो ऑप्टिकल माउस होते हैं, ठीक है। वो किस पर यूज होते हैं, वो रेडियो वेव्स वगैरह पर यूज होते हैं, जैसे रेडियो वेव्स हो गई, इंफ्रारेड, जो इंफ्रारेड रेड जो वेव होती है उन पर ये वर्क करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पर आपको सर्च करके दिखाऊं ऑप्टिकल माउस, ओ पी
ऑप्टिकल माउस, ये देखिए, अगर मैं ये देखिए, जो ऑप्टिकल माउस होते थे वो कुछ इस प्रकार आपको दिखते थे। तो देखिए जो आपको दिख रहा है ये होता है ऑप्टिकल माउस, ठीक है। तो जो इसमें जो ये लाइट होते हैं, राइट, ठीक है, ये लाइट, इसको लेजर लाइट वगैरह बोलते हैं, ठीक है। इसके थ्रू आप जो पॉइंटर होता है, जो कर्सर होता है, उसको कंट्रोल करते हो, ठीक है। और जो पहले के माउस थे उसमें जो बॉल होती थी ना, बॉल होती थी, उसके थ्रू आप इस कर्सर को या इस पॉइंटर को, जो आपको ये व्हाइट कलर की जो एरो दिख रही है, इसको आप कंट्रोल करते थे, ठीक है। और आजकल तो वायरलेस ही जो माउस होते हैं उनका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, मैक्सिमम आजकल वायरलेस ही माउस यूज हो रहे हैं, जिसको अपन कॉर्डलेस भी बोलते हैं। वायरलेस को क्या बोलते हैं? कॉर्डलेस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जीयूआई के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, जीयूआई समझते हो, ग्राफिकल यूज इंटरफेस, तो जीयूआई के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाले इनपुट डिवाइस आप क्या आंसर कर पाओगे? माउस ही कर पाओगे भाई, ठीक है। तो आपको पता है भाई, जीयूआई जो आपको सामने दिख रहा है ये जीयूआई तो है, ठीक है। और जीयूआई पर सबसे ज्यादा कौन सी इनपुट डिवाइस काम आती है, ठीक है, माउस ही तो आती है। आप माउस ही तो यूज करते हो, माउस ही तो यूज कर रहे हो आप जीयूआई के लिए। आगे बात समझ में, जैसे आपको यहाँ पर जाना है, इधर जाना है, कहीं भी जाना है, आपको कोई से भी आइकन पर जाना है, तो किसका यूज कर रहे हो आप? माउस का तो यूज करो, ठीक है। तो जीयूआई के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस है। आगे बात समझ में। और अगर मैं बात करूँ उसकी सीयूआई की, उसमें क्या कर रहा होगा? उसमें आप कीबोर्ड कर पाओगे, करेक्टर यूजर इंटरफेस के लिए क्या कर पाओगे? कीबोर्ड, ठीक है। जो कीबोर्ड होता है किस पर डिपेंड होता है? वो सीयूआई पर डिपेंड होता है। और जो अपना माउस होता है वो किस पर डिपेंड होता है? वो जीयूआई पर डिपेंड होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के साथ साथ ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है, और पॉइंटिंग डिवाइस के साथ साथ ये ड्रॉइंग डिवाइस भी है। आप इसके थ्रू ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी। आगे बात समझ में। चलिए अब हम माउस को खत्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हमने काफी अच्छा यहाँ पर माउस के बारे में पढ़ लिया है, तो यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में कुछ ही पूछा जाएगा तो यहीं से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाई थी, ठीक है। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इनपुट डिवाइस के साथ साथ, जिसका नाम है स्कैनर, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस आने वाली है, हम उनको सबको आपको लैपटॉप में ही बताने वाला हूँ, ठीक है। आप सबको प्रैक्टिकली चीजें बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको एफर्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम यहाँ पर सूचना सहायक का कंप्लीट सिलेबस कराने वाले, ठीक है। तो जो सूचना सहायक है उसकी वैकेंसीज आपकी बहुत जल्द आने वाली है भाई, या तो अभी जो अगस्त आने वाला है, या तो अगस्त के लास्ट में आ जाए, या आपके सितंबर तक जो ये वैकेंसीज है ये आ सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने आज आपको पढ़ाई है, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई। तब तक के लिए यदि आपको एफर्ट अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।